बड़ी बड़ी अच्छी बात चल रही थी यहाँ पर अभी ब्रेक के दरमियान, नलिनी जी से बात चल रही थी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से दो मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के हैं, आनंदीबेन पटेल हो गई या वसुंधरा राजे हो गई, उनको दोनों को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। लेकिन बात यूपी की जाए तो यूपी के लिए बहुत कुछ साथ पर है। लोकसभा चुनाव में 22-5 पर आ गई है सपा, उसके लिए सिर्फ गंवाने के लिए यहाँ पर अब कुछ नहीं है, सिर्फ लेना ही है, क्योंकि ये 11 सीटें बीजेपी के खाते में थे। लखनऊ ईस्ट यहाँ पर ये लालजी टंडन के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी ये नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रोहनिया यहाँ पर बकायदा वोट चल रहा है और अब देखते हैं किसको क्या मिलता है। नोएडा सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं अगर यूपी में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं ग्रेटर नोएडा की हम बात कर रहे हैं। मुरादाबाद की अगर बात कर रहे हैं तो मुरादाबाद में जो ठाकुर द्वारा है वो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैनपुरी मुलायम सिंह ने खुद इसको खाली किया है। बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये है कि अगर स्टेक्स की बात की जाए, देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं समझना चाहूँगा, अगर मुलायम सिंह को सपा को एक सीट भी मिलती है तो भी जीते और बीजेपी की हार है, आपको लगता नहीं है कुछ ज़्यादा ही स्टेक्स हो जाएंगे इसमें? मुझे नहीं लगता कि आप ठीक, यानी कि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए पहले हम ये कह रहे हैं कि जो सत्तासीन पार्टी है उपचुनाव उसके पाले में आते हैं, ये एक बंधा हुआ एक प्रिंसिपल सा है। तो उसके लिए आनंदीबेन को 9 देने हैं जीत के दिखाने हैं, वसुंधरा को 4 जीत के दिखाने हैं, तो अखिलेश को भी अपने 11 जीत के दिखाने हैं और मैनपुरी जीत के दिखाना है। तो इसलिए अगर बेशक वो भाजपा ने खाली की हों सीटें, लेकिन सत्तासीन तो समाजवादी पार्टी है ना उत्तर प्रदेश में, तो अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो उसकी भी बड़ी डबल हार है, अगर भाजपा हारती है तो उसकी हार है, क्योंकि इस वक्त मोदी प्रधानमंत्री हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ शरद जी भी हैं, और वो सवाल ये है कि जो 18 सीटों पर चुनाव हुए बाय पोल, और ये हम बात कर रहे हैं 18 सीटों की उनकी जो पिछले महीने हुए थे, उसमें से बीजेपी को सिर्फ हाथ में 8 आई, और आज अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया 33 जगह चुनाव हुआ, तो फिर क्या समझा जाए, क्या इसको ट्रांसलेट किया जाए कि वो मोदी लहर नहीं चल रही है, क्या इतना इसको करना ठीक होगा?